हाँ क्या राखी सामने देखिए, आप सामने देखिए, हाँ ये बच्चा को गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, एगो कार में देवर भौजाई या तहखाना में 155 लीटर शराब। बक्सर के गंगा ब्रिज पर पकड़ैले नोएडा से मुजफ्फरपुर ले जा रहा देवर भौजाई। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। लोग पैसा कमाए खातिर काथी काथी पे उतारू हो जाए हैं, ये रौरा सामने दृश्य दिख रहा बा। न रिश्ता के ओर बा न नाता के छोर बा, एहिजा एगो शराब के खेप के साथे देवरे भौजाई पकड़ाइल बा लोग। मामला तनी विस्तार से जान ली। बक्सर में उत्पाद पुलिस शराब के बड़ा खेप के साथ देवर भौजाई के गिरफ्तार कैले बिया। इनका साथे एगो लड़का भी रहे। सब दिल्ली नंबर के कार से शराब लेके जात रहे लोग। बक्सर गंगा ब्रिज पे देर रात यूपी से आ रहा वाहन के जांच के दौरान ही लोग पकड़ा गई। उत्पाद पुलिस बड़की लमहर मशीन लेके बैठल बिया। हे लमहर मशीन के नाम है स्कैनर मशीन। उहो पानासोनिक के मशीन है बबुआ। यह एरिया से पार करब तो मशीनिये टैं टैं करे लागी आ एक बाद पुलिस तहार टैं टैं क दी। उत्पाद पुलिस के स्कैनर से गाड़ी के जाँच कैलस तो कार के अंदर बोतल जैसन इंडिकेट करे पो इनका के पकड़ लिहल गई। कार के तलाशी लेला पो डिकी आ सीट के अंदर से अंग्रेजी शराब ब्रांडेड महंगा महंगा दारू निकले लागल। उत्पाद चेक पोस्ट प्रभारी दिलीप सिंह बतैनी कि बुध के देर राती खा यूपी से बिहार आवे वाला वाहन के जाँच कैल जात रहे। यही दौरान यूपी के तरफ से एगो तेज रफ्तार कार आवत रहे। रोकला पोई लोग के छनक हो गए, भागे के भी प्रयास कई लोग, लेकिन तैनात सिपाही के द्वारा जैसे तैसे क के रोक लिहल गई। स्कैनर मशीन से जाँच कैल गई तो शराब जैसन इंडिकेट कैलस उ पकड़ल गई। दिलीप सिंह बतैनी कि गिरफ्तार देवर भाभी से पूछताछ कैल जा रहा बा। वहाँ के बतैनी कि नोएडा से शराब के खेप लेके लोग मुजफ्फरपुर जात रहे। पुलिस कार के तहखाना से 155 लीटर विदेशी शराब बरामद कैल। यह लोग के पहचान यूपी के गोंडा जिला निवासी शिवम गुप्ता भाभी राखी गुप्ता के रूप में कैल गई बा। साथ में एगो लड़का भी बा। वरीय अधिकारी के निर्देश तो आगे के कार्रवाई कैल जा रहा बा। रउरा सबके बता दी कि पुलिस जब ये अभियान चलावे लागल कहलस कि तहार गाड़ी के जांच होई तो छरकटार आदमी बताई कहे लागल कि हमार बबुआ के तबियत खराब बा, रउरा छोड़ दी, लेकिन मशीनिया के तबियत ठीक रहे। मशीनिया ठीक ठीक बतावे लागल, मशीनिया टें टें करे लागल कि हमें माल बा माल बा माल बा। जेकरा बाद पुलिस अब तो पुलिस के भनक मिल गई। पुलिस इनका के अब चालू कैल सर्च अभियान। जब सर्च चालू भई तो ऐसन ऐसन तहखाना बनल रहे कि तहखाना देख के पुलिस के भी होश उड़ गई। लेकिन पुलिस ये आजकल जौन बटुए उत्पाद विभाग के पुलिस एकदम गर्दा उड़ा के रखले बिया। ये खाली एक तरह के माल पकड़ाइल, दोबारा ओकरों से बिहड़ 1 करोड़ के माल पकड़ाइल। अब देवर भौजाई के आड़ में माल के तस्करी करे वाला लोग धरा गईल। अब यह लोग के पुलिस ललकी कोठरी ठकाई, ये लोग ललकी कोठरी में जाई आ वही में खूब झाल बजाई आ एक बाद अब बेल जहिया होई तहिया होई। अब कुछ अंश सुनावे जा रहा बा भोजपुरिया समाचार। यह लोग के बयानवा सुनी का कहता, यह अंश के भी भोजपुरिया समाचार उरा दर्शक लोग के देखावे जा रहा बटुए। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि देश ना विदेश तक जाओ। बाप रे देख रहे हो, ये उम्मीद कीजिए कि इतना बॉक्स में होगा। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम। क्या नाम है आपका? राखी। क्या
राखी राखी सामने देखिए, आप सामने देखिए, हाँ सामने, ये बच्चा कौन है? मेरा बेटा। आपका बेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं।